बढ़िया वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आरपीएस में भी अब फोन एक्सचेंज करने का शॉप खुल चुका है और हमारे पीछे है फोन कार्ड। तो आइए भैया से बात करते हैं और यहाँ पे क्या क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में। चलिए तो हेलो भैया, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। और आप अपने शॉप के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पे बेसिकली फोन भैया जो भी मेरे पास सील पैक फोन होता है वो अच्छे खासे प्राइस पे मतलब डिस्काउंट रहते हैं। अप्रॉक्स डिपेंड करता है, जैसे एग्जांपल आपको दिखा देते हैं फोन, यह आपको ओप्पो का F21S प्रॉपर सील पैक है। आप इसका ऑनलाइन प्राइस चेक करते हैं तो वही 28-30 के अप्रॉक्स मिलता है। कार्ड लगाने के बाद भैया 26,000 का आता है। आप मेरे पास से लेते हैं हम 22,000 रुपये में लेते हैं प्रॉपर सील पैक। इस तरीके से बहुत सारे फोन है जो मेरे पास सील पैक मिल जाए। आप आईफोन में आते हैं, आईफोन आदमी लोग एप्पल स्टोर पे जाते हैं या फ्लिपकार्ट कहीं पर भी लेते हैं तो HDFC का कार्ड लगाने के बाद उनको 5,000 का डिस्काउंट मिलता है। मेरे पास लेते हैं तो हमको 6,000 रुपये का डिस्काउंट ऑलरेडी देते हैं। 15 हो गया, 13 हो गया, सारे फोन ऐसा नहीं कि मतलब बेसिकली जो प्रॉपर मॉडल है उसमें नहीं। हाँ ऐसा नहीं है, सारे मॉडल, सारे मॉडल्स पे। और भी बहुत सारे हैं जैसे मेरे पास डेमो में भी आप फोन रखे हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं XR है। तो ये काफ़ी प्रीमियम फोन है जो काफ़ी लोएस्ट प्राइस में मिल जाते हैं। मेरे पास ये XR है जो लास्ट प्राइस अगर देखा जाए बंद हुआ था आपको, सबको ये मिलता था आपको 45,000 रुपये में, लेकिन आप मेरे पास रहते तो हम लोग मात्र 20,000 रुपये में प्रोवाइड करते हैं। ऊपर से इस पर आपको 6 मंथ्स की हम लोग वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं साथ में हर एक चीज़ के साथ। अच्छा, वारंटी में आपके पास यहाँ पे आप विजिट करना होगा या आईफोन स्टोर में आपको फोन ला के यहाँ पे देना होगा? ठीक है, देखिए हम तो आपको आईटेक से काम करवा देते हैं। ऐसा नहीं आपको खुद जाना चाहते हैं तब खुद भी चल जाइए, बस हमको इन्फॉर्म कर दिया कि हम आईटेक में जा रहे हैं तब अपॉइंटमेंट हम लोग ऐसे बुक करा देते हैं। तो भैया आपके पास ये एंड्रॉइड भी होगा? जी बिल्कुल है। और ये एंड्रॉइड कहाँ से स्टार्ट है और कितने प्राइस से स्टार्ट है? देखिए बेसिकली अगर आप देखा जाए तो स्टार्ट तो मेरे पास 5,000 रुपये में भी हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे फ़ोन चाहिए आज के टाइम में जो भी फ़ोन खोजते हैं तो वो अच्छा फ़ोन ढूंढते हैं, तो उसके लिए कम से कम बेसिकली 8,000-10,000 तक में आइएगा तो हो जाता है। और मेरे पास 5G फोन जो है वो 13,000 से भी शुरू हो जाता है। 13,000 से भी फोन जो अभी तक मेरे को फील होता है कि पटना में सबसे लोएस्ट प्राइस है। जी बिल्कुल। और भी आप कुछ फोन दिखाएंगे और कितना से स्टार्ट है? कौन सा देख लीजिए, ये है ओप्पो का एक फोन है, ठीक है, इसमें 8GB रैम है, 256GB स्टोरेज है, ये मात्र आपको 7,500 में मिल जाएगा। अच्छा, और बस थोड़ा ओल्ड मॉडल है। और एक ये दिखा दे रहे हैं आपको, ये है मेरा वीवो का है, ये भी आपको वही 7,000 तक में आ जाता है, Y75 है। और भी बहुत सारे हैं जैसे आपको नोट 10 हो गया, यहाँ पे नोट 10 कितने का भैया? नोट 10 आपको हम दे देंगे 24,500 में विद 25 वाट का सैमसंग का अडैप्टर, 6 मंथ्स की सैमसंग से वारंटी, केबल एवरीथिंग के साथ, फोन दोनों साइड पे लगा हुआ है मिक्सर में मिक्स करके, ठीक है। जैसे ये पिक्सल हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास गूगल पिक्सल। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया पिक्सल कहाँ से है, पिक्सल जो है ये 5 इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है, लेकिन आपको पिक्सल 5 मेरे पास मिलेगा। अगर ये ग्लोबल प्राइस पे करते हैं तो इसकी प्राइस ग्लोबल में अप्रॉक्स आपको मान के चलिए 50,000 रुपये के अप्रॉक्स है, 43 से 50 में आती है ग्लोबल प्राइस पे। मेरे पास रहते हैं मात्र हम आपको 8,000 रुपये दे देंगे, इस पर हम लोग 6 महीने की वारंटी कवर करते हैं। ये तो 4G है ना भैया? ये 4G डिवाइस है, यहाँ के लिए 4G है बट ग्लोबल 5G है। और जो मैंने आपको नोट 10 दिखाया वो भी ग्लोबल है बट वो 5G ग्लोबल है, 5G ग्लोबल है। हाँ, इंडिया में आता था 4G बट वो मेरे पास 5G फोन है वो। और भी बहुत सारा फोन है, आपको दिखा दीजिए, एक LG का वेलवेट आता है, जब हमारी फ्लिपकार्ट पर प्राइस चेक कीजिएगा तो इसका 50,000 प्राइस है, वो भी 4G मॉडल का, 4G मॉडल, 4G मॉडल। ये मेरे 5G फोन है, मात्र आपको 18,000 रुपये मिलेंगे, 5G फोन 18,000 रुपये में। बहुत सारे फोन का जैसे आपको मेरे पास 15 प्रो मैक्स लेते हैं, ठीक है, वो भी बस ग्लोबल रहेगा तो मैं आपको एक 30 में 256 मैक्स देता हूँ, जिसका प्राइस है ऑनलाइन 160। और भैया ये क्या बोलते हैं ये आईफोन का आईफोन कितना से स्टार्ट होने वाला और कितना तक जाएगा? मेरे पास आप आते हैं बेसिकली सबसे लो प्राइस है मेरे पास 8,500 रुपये और एंड ऑफ तो भैया वन लाइन है वो तो 1.5 लाख में खत्म, 1.5 लाख में खत्म होता है। ये आईफोन का सबसे शुरू वाला कौन सा, मतलब जो स्टार्टिंग प्राइस है? अभी मिनिमम मैं आपको दिखाता हूँ, आईफोन 7 है, मेरे पास 7 लेते हैं आपको ये 9,500 में प्रोवाइड कर देंगे, 9,500 मात्र 9,500। इस पर भी 6 मंथ्स की वारंटी है, चार्जर टेम्पर कवर अडैप्टर एवरीथिंग के साथ, जो उस टाइम का अच्छा खासा डिमांडेबल फ़ोन है। और इसका आपके पास कितना तक होगा आईफोन का रेंज? मेरे पास भैया अगर आप लेते हैं तो मिनिमम मेरे पास 9,500 है, और मैंने बताया आपको वैसे मैक्सिमम आप ऑर्डर लगाते हैं तो मेरे जो फोन नहीं भी है वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको अप्रॉक्सिमेट 1.5 लाख में आ जाएगा सारा फोन। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मेरे को 15 प्रो मैक्स चाहिए, 512 GB, भाई वो भी मिल जाएगा मेरे पास। आप 1 TB मांगो मैं 1 TB भी दूंगा। और ऑनलाइन से समझिए अगर मैक्स ही सब लेते हैं तो 30 से 35,000 रुपये आपको बचने वाले हैं ऑनलाइन प्राइस से। आपके पास ये आईफोन 14 भी होगा?
14 भी है, मैं तो दिखा दे रहा हूँ, एक मेरे पास 14 प्लस है, फैमिलीस का है, ये 14 प्लस है मेरे पास, ठीक है, आईफोन 14 प्लस, 14 प्लस आईटेक से परचेज है, 85,000 रुपीज की बिल है, ठीक है, अभी इस पे 7 to 8 months वारंटी बची हुई है, मेरे पास लीजिएगा मात्र 55,000 में मिल जाएगा, उसमें आपको टेम्पर्ड कवर, 20 वॉट का अडेप्टर, केबल और एप्पल से पूरी वारंटी बची हुई है, वो तो अलग है ही, ब्रांड न्यू फोन है, कहीं से भी देख लीजिए कोई भी डेंट स्क्रैच कुछ नहीं, कि हाँ यूजेस मार्क से कुछ भी कुछ नहीं मिलने वाला है इस फोन में। ये आपको 14 प्लस है, जो अभी प्राइस चेक की जाए तो आपको अभी ऑनलाइन भी चेक करते हैं तो अभी आपको 75 का पास आने ही आना है, 75 और आपके यहाँ 40 मिल जाएगा। हाँ मेरे पास में आपको 55,000 में प्रोवाइड कर दे रहे हैं, और आईटेक में से प्राइस देखिएगा तो 85 का पॉक्स है, इसका जो बिल है आईटेक का ही है और 85,000 का परचेज है। सामने फोन है, क्या रहती है, किसी भी फोन का उठा लीजिए, 97 जो आईफोन मानता है कि अच्छा फोन होता है, 97 बहुत अच्छा, जस्ट लाइक बैटरी उसका न्यू होता है, 100 न्यू होता है, 3% डाउन हुआ था, तो 3 महीना 4 महीना का फोन यूज हुआ है उतना डाउन होता है, इतना डाउन हो जाता है। हाँ अब इसी पे नहीं, अब किसी फोन पे यहाँ पे बहुत सारा लगा हुआ है, अगर देखा आपको, ठीक है, चाहे कोई भी फोन उठा के लिए देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, कोई भी फोन उठाइए आपको किसी में भी आप बैटरी के लिए सोचना नहीं, देखिए इसमें भी है, और इसकी बैटरी अगर थोड़ी कम भी रहती है तो उसमें हम लोग डील देते हैं, जैसे एग्जांपल इसके 84 है, ठीक है, 84 इसमें, हाँ तो ये आपको 24,500 में दे देंगे, 11 24,500 में 11, अगर जो आपके द्वारा आएंगे उन पे 1,000 रुपये के और डिस्काउंट हम देते हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर अगर मेरे थ्रू आप लोग आते हैं तो आपको 1,000 का अलग कम मिलेगा, बोनस के साथ मिलेगा, बस बता देना कि अभी मैंने आपका वीडियो देख किया है तो उसमें अलग मिलेगा। अब एक्सर है, ठीक है, अब इसको लेते हैं तो ये मात्र ये भी नहीं, सॉरी ये भी 11 ही है, ये आपको हो जाएगा, सॉरी एक्सेस है, अगर ये अभी तो ऑफ है, बट अगर ये लेते हैं मेरे से मात्र 19,000 रुपये मिलूंगा एक्सेस, मात्र 19,000 में। हाँ एक्सेस जिसका अभी प्राइस फ्लिपकार्ट पर भी प्राइस चेक करते हैं तो 1,00,000 रुपये है, अभी अगर ट्रेंड में चेक करते हैं तो अभी ट्रेंड में चेक करते हैं उसका 1,00,000 प्राइस है। हाँ अभी अभी एट अ टाइम अभी मैंने आपको दिखाया था एक यहाँ पे एक्सेल दिखा दे रहा हूँ, ये भी ऑन है, इसकी बैटरी 3 है, ये भी मात्र 19,000 रुपये में मिल जाएगा, मात्र 19,000। हाँ बिल्कुल एक्सर है, आईफोन एक्सर। अभी कितने लोग का शिकायत होता है कि हम लोग अगर सेकेंड हैंड फोन लेंगे तो उसका बैटरी चेंज रहेगा या बैटरी साइड से लगाया हुआ रहेगा? हमारे पास इस चीज के लिए सॉल्यूशन है, हम लोग फोन देते हैं कस्टमर को, देन 7 डेज की इनको देते हैं टाइम, आप एप्पल से चेक करा लीजिए, जहाँ से अगर कोई पार्ट या कुछ भी आपको लगता है कि रिप्लेस है चेंज है, पूरा पैसा रिफंड, पूरा पैसा रिफंड है कस्टमर के ऊपर है, अगर वो चाहते हैं कि दूसरा फोन लेना आप दूसरा फोन ले सकते हैं, नहीं तो भाई पूरा पैसा रिफंड, क्योंकि 110% को हम लोग सेटिस्फेक्शन देंगे तभी। अच्छा भी अगर मान लीजिए कि कोई फोन परचेस किया जी, और 7 दिन या 3 दिन के अंदर में उसका फोन डेड हो गया, हाँ तो उसके लिए आपके पास क्या है? उसके लिए हम लोग चेक करवाते हैं, एप्पल भेज देते हैं फोन को, जिस कंपनी की फैन है उस फोन में चला जाता है, उस कंडीशन में फोन चला जाता है, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं किस परपज से वो डेड हुआ, अगर इनके साथ मेरे प्रॉब्लम से डेड हुआ तो हम लोग पूरा पैसा रिफंड करते हैं, देन अगर उनके प्रॉब्लम से एग्जांपल पानी में डाल दिया किन्होंने, हाँ ठीक है, या कहीं गिरा दिया, उस कंडीशन में कुछ होता है तो फिर वो कस्टमर की रहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी नहीं रहती है। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया।